राजस्थान। तो जब हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? रेतीला समंदर, चिलचिलाती धूप, सूखे सूखे मैदान और मिट्टी के घर और बड़े बड़े किले। लेकिन जब हम राजस्थान के दौरे पर थे तो तब हमें पता चला कि राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है जिसे राजस्थान की सबसे ठंडी जगह के नाम से जाना जाता है। तो बस ये सुनते ही हम राजस्थान की उस ठंडी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो तब हमें पता चला कि यह राजस्थान का बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, यहाँ पर पहाड़ों का एहसास होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस हिल स्टेशन के बारे में आपको भी बताया जाए, ताकि अगर आप राजस्थान आ रहे हो तो इस हिल स्टेशन को मिस ना करें। ये हमने एक्टिवा रेंट पर ली है जिसका प्राइस मात्र हमें 200 रुपए पड़ा है। मतलब 200 रुपए में हम इस एक्टिवा से रात 8 बजे तक बहुत अच्छी तरीके से घूम सकते हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा तेल डलवाया, जितना मतलब हमें घूमना है उतना हमने इसमें तेल डलवाया है। और इस एक्टिवा से हम घूमने वाले हैं भाई पूरा माउंट आबू, और अभी जा रहे हैं हम एक पीक पॉइंट पर जहाँ से पूरा माउंट आबू नजर आता है। बने रहिए आज की वीडियो में और लीजिए मजे राजस्थान की सबसे ठंडी जगह के। तो अभी हम अपनी धनों को लेकर निकल चुके हैं पहाड़ों की वादियों में, और हम यहाँ से सबसे पहले जाना पसंद करेंगे भाई गुरु शिखर पॉइंट, क्योंकि हम देखना चाहते हैं ये पीक पॉइंट कितना सुंदर लगता है इस माउंट आबू का नजारा। और मतलब इसके माउंट आबू के अंदर काफी सुंदर सुंदर जगह है, जैसे कि झील हुई, एक जैन मंदिर भी है। तो अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो और आपको मतलब यहाँ पर क्या क्या देखना चाहिए वो सभी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आप कितने बजट में घूम सकते हो। क्योंकि अगर 200 रुपए में यहाँ पर आपको एक्टिवा मिल रही है तो इससे अच्छी जगह तो क्या ही होगी। और सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे और ठंडी ठंडी हवा, अरे क्या ही मजा है भाई। एक्टिवा लेने के बाद तो एक अलग ही आनंद आ रहा है। देखो ये लीजिए आप भी पहाड़ों के मजे। हमने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मतलब राजस्थान में हम पहाड़ों का मजा ले पाएंगे। और भाई पहुंच गए माउंट आबू और देखो भाई पहाड़ों का मजा ले रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत मजा आ रहा है यार। यहाँ पे पूरा रास्ता देखो कैसे घुमावदार रास्ता है ये। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक्टिवा ले ले तो भाई फिर तो मजा ही अलग है, एकदम जबरदस्त। और अभी हम पहुंच चुके हैं भाई गुरु शिखर पॉइंट, एक्टिवा अभी लगा के आ रहा है आसू, उसके बाद जाएंगे पॉइंट के ऊपर। शायद मुझे लगता है वहां पर कोई मंदिर भी है तो जाकर देखेंगे यार, बहुत लोकप्रिय जगह है माउंट आबू की है। तो भाई पिछले कुछ दिनों तो मैं चाह रहा था यार गोल्ड वाली टोपी लेना, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। और आज फाइनली जैसे हम यहाँ से आए भाई घूमने, मैंने देखा भाई गोल्ड वाली टोपी रखी थी, आशीष ने कहा चल ले ला फिर, तो बस देखी ले ली एकदम। कमेंट करके बताओ भाई ये टोपी कैसी लग रही है, एक बार आंसू बताओ आंसू कैसा लग रहा है, मेरे को देखो ना मेरा कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए जरूर मेरे भाई। तो अभी हम पहुंच चुके भाई गुरु शिखर पॉइंट, और यहाँ पर बना हुआ है भाई दत्तश्री जी का मंदिर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम तक तपस्या की थी। अंदर गुफा बनी हुई है जिसके अंदर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, जो यहाँ के अंदर महाराज जी है उन्होंने हमें बताया है काफ़ी अच्छी तरीके से। उनके पास बैठकर हमने यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी ली है। जो भी मतलब नाथ संप्रदाय के जितने भी शिष्य थे उन सभी के गुरु है भाई दत्तश्री जी। बाकी यहाँ का एक बार आप नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। नज़ारा तो सुंदर था ही, लेकिन जिस जगह पर मैं भी बैठा हुआ हूँ यह जगह इस माउंट आबू की सबसे ऊंची जगह है, इसीलिए यहाँ से पूरा माउंट आबू नजर आता है, जिसका हम बैठकर काफी देर से लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अब बारी आ चुकी है नीचे जाने की, दूसरी जगह की, जिसका नाम है दिलवारा जैन टेम्पल। तो जैसे हम दिलवारा जैन टेम्पल पहुंचते हैं तो मंदिर के गेट पर जाने से पहले ही वहां के गार्ड बोल देते हैं कि मंदिर के अंदर फोन और कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो इसको आप पहले ही बाहर जमा कर दो। ये सुन के हमारा मन बिल्कुल उदास हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए और अंदर से जब मैंने मंदिर को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अब तक की लाइफ में मैंने इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा था, क्योंकि जैसी नक्काशी इस मंदिर के अंदर की गई है ना, शायद ही किसी और मंदिर के अंदर की गई। हाँ थोड़ा सा मन उदास है मेरा कि मैं आपको इस मंदिर को उस तरीके से नहीं दिखा पाया जिस तरीके से मैंने इसको देखा है। और माउंट आबू में अगर सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर कोई जगह लगी ना वो है दिलवारा जैन मंदिर। भाई मंदिर के अंदर इतनी सुंदर नकाशी की गई है ना, मैंने अपनी लाइफ में इस मंदिर से सुंदर आज तक कोई मंदिर नहीं देखा। लेकिन मजबूरी थोड़ी सी यहाँ थी कि मतलब फोन वोन सब कुछ बाहर ही जमा हो गए थे, दिल खुश हो गया मंदिर देख के, बहुत सुंदर मंदिर था। तो आप सभी से रिकमेंड करूँगा अगर आप माउंट आबू आ रहे हैं ना तो दिलवारा जैन मंदिर जरूर विजिट करें, आपको एहसास होगा कि मतलब आज से कुछ टाइम पहले कितनी सुंदर नक्काशी किया करते थे लोग, कितना सुंदर टेंपल ये क्रिएट किया हुआ है और पूरे 1000 साल पुराना यह मंदिर है। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से दूसरी जगह पर।
और अभी हम आ चुके हैं भाई माउंट आबू की तीसरी डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है नक्की झील। और यहाँ पर आते ही भाई ऐसा लग रहा है जैसे नैनीताल में आ गए। देखो एक बार फुल नैनीताल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। बाकी देखते हैं अगर कोई नाव हमें ठीक से रेट में मिल जाएगी तो उसके बाद हम घूमेंगे भाई इस नक्की झील में। एक बार नजारा देखिए आप इसका, कितना मस्त लग रहा है यार। और जैसे ही हम झील के मेन एंट्री गेट से एंटर होते और काउंटर पर पहुंचते तो हमें पता चलता है कि नाव का टिकट 400 रुपए का है एक पर्सन का। तो दोस्तों नक्की झील वैसे देखने में तो भाई काफी सुंदर लग रही है, लेकिन इसके अंदर भाई हम बोटिंग नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि इसका जो बोटिंग चार्ज है वो थोड़ा एक्सपेंसिव, और हमारा जो डेली बजट है ना वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो इसलिए अब एक्स्ट्रा कोई खर्चा आज का नहीं कर सकते। और नक्की झील को और उसमें चलने वाली नाव को बस दूर से खड़े होकर ही देखते रहते हैं, क्योंकि देखने में तो यह जगह बहुत सुंदर लग रही थी। इन पहाड़ों ने इस झील को चारों ओर से घिरा हुआ था, इसलिए यह दृश्य बहुत ही लुभावना था। और अभी हम यहां से जा रहे हैं भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, मतलब एक बहुत ही सुंदर सनसेट पॉइंट है वो देखने के लिए जा रहे हैं हम, और दिखाएंगे आपको भाई माउंट आबू का बहुत ही सुंदर सनसेट। तो भाई सनसेट पॉइंट देखने के लिए हम गए तो थे, लेकिन वहां पर जब गए तो पता लगा कि 130 रुपए भाई एंट्री चार्ज है, तो हमने वो स्किप कर दिया। और अभी हम आ चुके हैं भाई हनीमून पॉइंट जहां पे ये दोनों क्या बोलते हैं नल्ले बेरोजगार अभी पहुंच चुके हैं हनीमून पॉइंट देखने के लिए जा रहे हैं भाई, और वहां से सनसेट भी बढ़िया बढ़िया रहा नहीं जाता सनसेट बहुत सुंदर सनसेट दिखेगा वहां से। तो चलते भाई, शायद हनीमून पॉइंट ही देखना हमारे नसीब में था, वो जो सनसेट पॉइंट है वो शायद नसीब में था, बाकी सनसेट वनसेट भी एकदम जबरदस्त देखेंगे। और भाई जब हनीमून पॉइंट ना अमित ना सोना रख दिया भाई तो माहौल तो वहाँ एकदम जबरदस्त मिलना ही। चलो फिर देखते हैं एक बार सनसेट देखो हल्का हल्का। सो भाई अभी पहुंच चुके हैं हनीमून पॉइंट पर, और यहाँ से एक बार सनसेट देखे कितना जबरदस्त नजर आ रहा है। ये देखिए भाई कितना सुंदर सनसेट नजर आ रहा है। और भाई वाकई में ये हनीमून पॉइंट है, बताऊं क्यों? देखो कितने लोग आए हुए हैं भाई यहाँ पे। क्या कहना चाहूंगा आशीष? कपल ही कपल है इधर, हम दो नल्ले बेजन बेरोजगार ही बैठे हैं दोनों, नहीं तो बाकी सब कपल ही आ रहे हैं इधर। और ये सनसेट का मजा लो यार, देखो भाई सनसेट तो हमने देख लिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं यार, बिना कपल्स के ऐसी ऐसी जगह पे मजा नहीं आता, क्यों? सही है, हम दोनों ऐसे ही नल्ले बेरोजगार की तरह यहाँ पे पड़े थे और साइड में पूरा कपल ही कपल है वैसे क्योंकि भाई ये हनीमून पॉइंट था, लेकिन भाई यहाँ से सनसेट एकदम जबरदस्त का नजर आ रहा था, हम सनसेट ही देखना आए थे बाकी कुछ नहीं। और बहुत ही मजा आया यार आज, और क्या देखना है, माउंट आबू देखने के, माउंट आबू देखने में भाई बहुत मजा आया। लेकिन सबसे जो मेरे को सबसे इंटरेस्टेड जो यहाँ पे जगह लगी ना वो लगी भाई जैन मंदिर, जैन मंदिर सबसे इंटरेस्टेड हमें भी सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा जो लगा ना भाई वो जैन मंदिर भाई, जो उसके अंदर नकाशी की गई हुई है ना, मुझे लगा भाई बहुत टाइम लगा होगा उस मंदिर को बनाने में, सालों लगा। तो अगर माउंट आबू आप माउंट आबू आ रहे हो ना तो उस जैन मंदिर को सबसे पहले देखना और बहुत तसल्ली से देखना, एकदम जबरदस्त भाई। 11 से 5 के टाइम में ओपन रहता है, बाकी टाइम बंद, और फोन वोन अंदर कुछ नहीं जाता। और खाने पीने का भी इंतजाम है उधर, सब कुछ है, और रहने वहने का भी है, आप आ रहे हो तो वहाँ पे रह सकते हो। और अगर बात करूँ मैं आपके यहाँ पर आने की तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आबू रोड, आप कहीं से भी आ रहे हो तो सीधा आबू रोड पहुँचो, और वहाँ से आपको बस टैक्सी जो चाहे लो वहाँ से आप पहुँच बैठो, और उसके बाद पहुँच जाओगे माउंट आबू, और आराम से भाई अच्छे से माउंट आबू एक्सप्लोर करो। अगर रेंट पे स्कूटी बुलेट कुछ भी लेना चाहो 200 रुपये में स्कूटी मिल जाए और बुलेट मिल जाए 500 रुपये में, बस ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ और ये स्कूटी बुलेट स्लोट ले और मजे से एक्सप्लोर करो भाई, एकदम एक नंबर की जगह, एक नंबर की जगह भाई, एक ही दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो आप। और एक बार रात का मतलब निक्की झील का नज़ारा देखें कितना सुंदर है, देखो रात के टाइम कितनी सुंदर लग रही है निक्की झील। और अभी यहाँ से चलते हैं भाई, अपना एक्टिवा उठाते हैं, एक्टिवा रेंट किए तो उसको वापस से जमा करते हैं, जमा करने के बाद भाई बस पकड़ते हैं, लेके चलो ना फिर उदयपुर। अरे नहीं ले जा सकते हो ना, आधार कार्ड पैन कार्ड रख रखे, कभी घर से ही ठुआ ला बहुत दिक्कत हो जाएगी उस्ताद ने, तो इसी वजह से पहले स्कूटी जमा करते उसके बाद उदयपुर की ओर निकलते। और अब बारी आ चुकी है उदयपुर एक्सप्लोर करने की।